फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको अपने बैकयार्ड के कुछ फ्लावर्स दिखाऊंगी। काफ़ी फ्लावर्स खिलने शुरू हो गए हैं, तो शुरुआत हम इसी से करते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल में देखिए अब फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। और ये जो लाल रंग गुड़हल का है, ये इनके पत्तों ने सर्दियों में लाल हो गया था। जब स्ट्रेस में आते हैं ना पत्ते सीजन के कारण, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है वो शायद एंथोसाइनिन नाम है, रेड कलर का एक पिगमेंट रिलीज करता है, जिससे ये जो पौधे होते हैं ये ठंड को या कोई भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए जो है इनके पत्ते लाल होते हैं। और एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए ये गुड़हल की कटिंग, ये देखिए। अब आजकल आप भी लगा सकते हैं, ये देखिए सिंपल सी कटिंग है, इतनी काट के लगाई हुई। और ये देखिए फ्लॉक्स, देखिए फ्लॉक्स जैसे मैंने आपको कहा लेट खिलते हैं, और देखिए अब फ्लॉक्स खिलने शुरू हो गए हैं, तो अब ये चलेंगे। और लाल वाले गुलाब भी मैं आपको बार बार दिखाती रहती हूँ, अभी भी खिले हुए हैं, देखिए फ्लॉक्स। कुछ व्यूअर्स कहते हैं फ्लॉक्स दिखाइए आप अपने बैकयार्ड के, तो ये देखिए फ्लॉक्स, देखिए। इस बार मैंने इस पोर्शन में घास नहीं लगा के सोचा था कुछ सब्जियां लगाऊंगी, लेकिन अभी तो इसमें मैंने फ्लॉक्स लगाए हैं। और गोभी मैंने लगाई थी, वो आपको दिखाया था उस वाली क्यारी में। और अभी ये देखिए टमाटर भी लगाए हुए हैं, और टमाटर अच्छे उग रहे हैं, काफ़ी नंबर में टमाटर उग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने टमाटर हैं, ये देखिए ये लगे हुए हैं, इसको बांधा हुआ है, ये देखिए ये है, ये है, ये देखिए यहाँ टमाटर हो या कोई भी पौधा हो, ये देखिए अंदर तक कितने भरे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए ये है, ये है। और अभी और पौधे भी लगाए हैं, देखिए ये दो तो पक गए हैं, ये देखिए ये इनको उतार लेते हैं। एक और मैंने उतारा था पहले, ये देखिए ये दो तो मैंने। अच्छा, इनमें जो ये चीज़ आती है या कुछ ऐसा है, इसका मतलब इनमें थोड़ी कैल्शियम की कमी है, तो या तो बोन मिल डालो और या जिप्सम बहुत अच्छा रहता है इनमें डालने के लिए, तो कैल्शियम। और टमाटर में तो ना ये देखिए थोड़ा एप्सम सॉल्ट भी डालूँगी, और समय समय पर ना ये भी डेफिशिएंट, ये देखिए ये इसमें लीफ माइनर है, तो लीफ माइनर के लिए जो है वो बेस्ट रहता है नीम ऑयल, तो आप नीम ऑयल डालें अगर लीफ माइनर आपके पौधे में हो रहा है, अदरवाइज और दवाइयाँ इस पर असर नहीं करती हैं। तो चलिए फिर फ्लॉक्स पे आते हैं, फ्लॉक्स पे पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं, देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं, बस ये थोड़ा लेट खिलते हैं। फ्रेग्रेंस बड़ी प्यारी होती है फ्लॉक्स में, हल्की सी फ्रेग्रेंस होती है इसमें, और थोड़ा सा गर्मी तेज होने पे खिलते हैं ये। इनका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मैं जब भी लगाती हूँ ये थोड़ा सा बाद में खिलते हैं। इस बार यहाँ जैसे मैंने कहा घास नहीं लगाई मैंने, और ये सोचा इस बार सब्जियाँ लगाते हैं यहाँ पे, तो कुछ सब्जियाँ लगाई थी। देखिए ये सारे फ्लॉक्स इस तरह से दिख रहे हैं, ये कश्मीरी गुलाब, इसमें भी फूल आ रहे हैं फिर से। कितने कश्मीरी गुलाब के फूल थोड़े से खिले मतलब ढील बिखरे बिखरे से होते हैं, देखिए कितने सुंदर है, कलर कितना प्यारा है इनका। अब देखिए जो ये नेट इसका पत्ता है ना, उसमें देखिए ये पांच पत्तियां हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जो है ना, इसमें एक दो तीन चार पांच पत्तियां हैं, और ये देखिए ये सकर्स हैं, और सकर्स में देखिए कितनी है, सात पत्तियां हैं। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये जो सकर्स है ना इनको काटना पड़ेगा, इन तीन सकर्स निकल रहे हैं, इनको काटना पड़ेगा मुझे बिल्कुल बेस से। इनको कैसे काटती हूँ मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आपको। तो देखिए ये बैंगन छोटे से पौधे में, और ये देखिए ये लंबे वाले, ये और नीचे ये लंबे वाले बैंगन, और ये टमाटर के छोटे छोटे पौधे और लगाई है मैंने, ये डहलिया बस जा रहे हैं, ये देखिए।
उधर आओ उसके वो दिखाते हैं। आ गए हाँ। ये देखिए अमेरिलिस में ये कलियां आ रही हैं। ये देखिए अमेरिलिस ना जमीन पे आप लगाओगे ना तो ज्यादा कलियां वगैरह आती हैं। देखिए इसमें भी जिनके पास भी अमेरिलिस हैं वो अभी अच्छी तरह से अभी नहीं। ये देखिए एक और कली, ये देखिए ये भी आ रही है। तो अमेरिलिस जमीन में लगाएं आप, या जब अभी गमले में है तो अच्छा सा खाद दे दें। जमीन पे हो चाहे गमले, एक देखिए ये रही एक और कली, ये देखिए। तो इसमें अभी अच्छे से खाद देने का टाइम है। वैसे फरवरी में दे देनी चाहिए ताकि वैसे अब तो फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, अब इसके बाद इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। फरवरी में ना दे देना चाहिए इनको। देखिए गेंदे कितने छोटे छोटे प्लांट्स में इतने बड़े बड़े खिल रहे हैं। आप ये वैरायटी को चेक करें आप, ये देखिए ये एक पौधा है इतना सा और उस पर कितने बड़े बड़े छोटे से पौधे में देखिए। ये अलग अलग वैरायटी होती है प्लांट्स की, उस पर डिपेंड करता है। एक ये बैंगन का पौधा है, ये बैंगन का पौधा है, ये देखिए इसमें भी आने लग गए हैं। ये भरते वाले बैंगन का पौधा है, बड़े बैंगन आएंगे। बैंगन जो है जो नए नए पौधा लगाना शुरू करते हैं ना गार्डनिंग, मतलब वेजिटेबल गार्डनिंग, तो उनके लिए बैंगन सबसे अच्छा पौधा है। इसमें कम से कम आपको कोई बीमारी लगेगी, नीम ऑयल छिड़कते रहें बस आप, और अच्छा चलता है ये। अब देखिए ये पैंसी वगैरह, ये भी अब जाने की तैयारी में ही है अगले साल लौटने के लिए। देखिए ये डल हो रहे हैं इनको। कितने पौधों की पिंचिंग करूं, थक जाती हूं मैं भी। ये देखिए ये अब इनमें पानी देने वाला हुआ है। और ये देखिए पेंजी के ऐसे ऐसे बीज बनते हैं। देखिए बाद में जब हम लास्ट में नहीं तोड़ेंगे ना तो ऐसे बीज बनते हैं। और इनको अगर हम खोलेंगे ना तो ये देखिए पेंसी के बीज, ये देखिए। अभी मैंने इसको ना हरे को ही तोड़ा है, जब ये थोड़ा सा ब्राउन होके सूखने लगेगा ना ये देखिए ये फिर ये बल ये जो बीज है ना ये काले हो जाएंगे। अभी ये बीज जो है ये ब्राउन है, कच्चे हैं ये, इनको लगाएंगे तो फूल नहीं आएंगे। तो ऐसे देखिए ये जब हम अभी भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके पौधे में फ्लावर आने बहुत कम हो गए हैं तो आप छोड़ दीजिए, तो उनमें ऐसे देखिए ये बीज के ये बल्ब बनने लग जाएंगे। देख रहे हैं आप ये अब ये जब हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा ना तो आपको उतार के और उसमें से बीज निकाल लेने हैं। तो बीज कैसे निकालने हैं उस पर हम बात करेंगे पेंसी के, जब मैं निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए गजानिया की भी देखिए ये डेड एंडिंग कर देती हूँ। अब गजानिया में भी वो बात नहीं रही है, इनका लाइफ पूरी होने लगी है पौधों की। धूप बहुत ज़्यादा है, हो सकता है जो थोड़े कम धूप वाले इलाके हो ना जैसे राजस्थान नहीं हो तो वहाँ अभी चलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इतनी धूप हो गई है ना इस टाइम कि एक दो दिन में तो एसी चलने लग जाएगा। ये देखिए तो बस ये सारे फ्लावर्स आपको दिखाने थे मुझे कि बैकयार्ड वालों में भी क्या कंडीशन चल रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।